नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शर्मा, रेकी ग्रैंड मास्टर, रेकी हीलिंग फॉर लाइफ से। दोस्तों, आज हम लोग फोटो के माध्यम से ऑरा स्कैनिंग करेंगे। ये क्रिश चौधरी जी हैं दिल्ली से, जिनका ऑरा स्कैनिंग होना है। आज देखेंगे हम अपने मशीन के माध्यम से कि जो इनके चक्र हैं वो किस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम रूट चक्र चेक कर रहे हैं, देखते हैं रूट चक्र की पोजिशन यहाँ पर क्या है। सबसे पहले रूट चक्र जो कि पृथ्वी तत्व है, उसको हम लोग चेक कर रहे हैं। एक बार फिर दोबारा देखते हैं जो रूट चक्र को, क्या पोजीशन है रूट चक्र के यहाँ पर। गुड, रूट चक्र जो इनका है वो बैलेंस में है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे सेकंड चक्र इनका। सेकंड चक्र जो है इनका वो स्वस्थान चक्र है, यही पृथ्वी तत्व के अंदर आता है। देखते हैं कि यहाँ पर इनका चक्र ये जो है वो किस प्रकार से है, किस स्थिति में है यहाँ पर सेकंड चक्र जो है इनका। एक बार दोबारा चेक करते हैं स्वयं चक्र को। स्वयं चक्र की देखते हैं यहां पे क्या पोजीशन है। स्वयं चक्र जो है वो ओवर एक्टिव है यहां पर। ये मणिपुर चक्र है जो पृथ्वी तत्व में ही आता है। तीसरे नंबर चक्र है, देखते हैं मणिपुर चक्र जो है वो किस पोजीशन पे है। ये बहुत बार चेक करते हैं मणिपुर चक्र को हम लोग, जो मणिपुर चक्र है उसकी पोजीशन देखते हैं यहां पर किस स्थिति के ऊपर है। मणिपुर चक्र जो है इनका वो भी ओवर एक्टिव है। अब देखते हैं इनका जो हार्ट चक्र है वो कैसा है। दोस्तों, जो स्कैनिंग है वो बहुत ही सरल माध्यम है अपने चक्रों की जानकारी लेने का। वो एक्टिव हैं, डीएक्टिवेट हैं या बैलेंस्ड हैं। सबसे पहली जो बीमारी है वो हमारे ऑरा में आती है, फिर हमारी बॉडी के चक्रों में आती है, फिर वो उसके बाद में बाहर आती है। तो जैसे ही हम अपने चक्रों को चेक करते हैं या चेक करवाते हैं, तो उससे पता लगता है कि जो हमारे शरीर की अभी अवस्था है या जो उसके हालात हैं वो कैसे हैं। चक्र बहुत ही सरल माध्यम है किसी भी चीज के बारे में जानने में। किसी भी तरह की बीमारी का इलाज इन चक्रों के द्वारा जानकर चेक करके पता लगता है कि उसकी जो भी बीमारी है उन चक्रों को हील करने से वो 101% दूर हो जाती है। हीलिंग के बहुत सारे तरीके हैं। जरूरी नहीं है कि यदि आप हीलिंग करवाना चाहें तो आपको मेरे पास होना जरूरी है। आप डिस्टेंस में भी हैं तब भी आप हीलिंग करा सकते हैं। हीलिंग का पूरा लाभ मिलता है। जिस तरह व्यक्ति पास नहीं है और फोटो के माध्यम से ऑरा स्कैनिंग हो रही है, इसी तरीके से डिस्टेंस हीलिंग के द्वारा भी हीलिंग करते हैं, जिससे भरपूर लाभ मिलता है। और अनेकों लोगों ने डिस्टेंस हीलिंग से अपनी बीमारियों को दूर किया है, अपने चक्रों को बैलेंस किया है और भरपूर लाभ पाया है। दोस्तों, यदि आप भी ऐसा चाहते हैं तो अपनी फोटो भेज सकते हैं, अपना स्कैनिंग करा सकते हैं। और आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी लोग इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो अपना फोटो के माध्यम से स्कैनिंग के बाद में लाभ पा सकें। आइए दोस्तों आगे देखते हैं यहाँ पर हम लोग जो है हार्ट चक्र। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे हम लोग हार्ट चक्र,
जो हार्ट चक्रा है उसकी पोजीशन क्या है यहाँ पर, जिनका हम हार्ट चक्र चेक कर रहे हैं। दोबारा चेक करते हैं हार्ट चक्र को, देखते हैं हार्ट चक्र की पोजीशन क्या है यहाँ पर। गुड, हार्ट चक्र इनका बैलेंस है। इसके बाद में आते हैं थ्रॉट चक्र, ये आकाशी तत्व में आते हैं। थ्रॉट चक्र जो है यहां हम देखते हैं इनका थ्रॉट चक्र वो कैसा है। एक बार दोबारा चेक करते हैं थ्रॉट चक्र को, थ्रॉट चक्र कैसा है यहां पर। जो थ्रॉट चक्र है इनका वो यहां पे ब्लॉक है। अब देखते हैं दोस्तों यहां पे थर्ड आइस चक्र जो है वो कैसा है इनका यहां पर। गुड, एक और देखते हैं इनका थर्ड आइस चक्र जो है, थर्ड चक्र देखते हैं यहां पे कैसा है इनका। गुड, थर्ड चक्र इनका काफी अच्छा है। अब देखते हैं दोस्तों इनका क्राउन चक्र, जो क्राउन चक्र है देखते हैं वो कितना परसेंट पे एक्टिवेट है। एक बार चेक करते हैं क्राउन चक्र, फिर पकड़ते हैं देखते हैं क्राउन चक्र की क्या पोजीशन है यहां पर। ठीक है, क्राउन चक्र जो है वो नॉर्मल है। अब देखते हैं दोस्तों ऑरा, जो इनका ऑरा है वो कैसा है यहां पर। ऑरा व्यक्ति के लिए बहुत विशेष होता है। एक बार फिर चेक करते हैं इनके ऑरे को, देखें इनका ऑरा कैसा है। इनका ऑरा देख रहे हैं हम लोग यहां पर। ठीक है, अच्छा है, नॉर्मल है इनका ऑरा, मीडियम है। ऑरा जितना बड़ा हो उतना अच्छा होता है व्यक्ति के लिए। आगे यहां पे हम देखते हैं कलर इनके लिए, जो कलर है वो कैसे रहेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं ब्लू कलर। ब्लू कलर यदि हम देखें कि ये पहनते हैं तो इनके लिए कैसा रहेगा। जी, हम ब्लू कलर चेक कर रहे हैं इनके लिए। ब्लू कलर इनको नहीं पहनना चाहिए अपने, ब्लू कलर इनको कम से कम यूज करना चाहिए। फिर हम देखते हैं रेड कलर, रेड कलर कैसा रहेगा यदि ये रेड कलर को यूज करें तो। अच्छा है, रेड कलर यूज कर सकते हैं ये अपने लिए।
अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रेड के बाद में इंडिगो कलर, यदि इंडिगो कलर ये यूज करते हैं अपने लिए तो कैसा रहेगा इंडिगो कलर इनके लिए। इंडिगो कलर भी इनको नहीं यूज करना चाहिए। फिर देखते हैं येलो कलर, देखते हैं येलो कलर जो है कैसा रहेगा इनके लिए। येलो कलर भी अच्छा है इनके लिए, पहन सकते हैं ये। अब देखते हैं दोस्तों वायलेट कलर, वायलेट कलर कैसा रहेगा इनके लिए। गुड, अच्छा है वायलेट कलर इनके लिए। अब देखते हैं दोस्तों ग्रीन कलर, यदि ये ग्रीन कलर यूज करें अपने तो कैसा रहेगा। यहां हम ग्रीन कलर चेक कर रहे हैं इनके लिए। अब बहुत बढ़िया, ग्रीन कलर इनके सबसे अच्छा कलर है। यहां ग्रीन कलर हम देखा सबसे बेस्ट है इनके लिए। दोस्तों देखा आपने, ये जो हमने एक फोटो के माध्यम से ऑरा स्कैनिंग किया, कितना सरल कितना आसान है। दूर बैठा व्यक्ति भी कितनी सरलता से इसको अपने लिए करा सकता है। और दोस्तों हीलिंग के बहुत सारी टेक्निक्स हैं, क्रिस्टल हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग, रेकी हीलिंग, ब्लू हीलिंग, मतलब दुनिया भर की है कोरोना रेकी। तो उस सभी रेकी के जो इसमें पार्ट होते हैं, किसी भी तरीके से जब हम लोग हीलिंग करते हैं डिस्टेंस हीलिंग से, तो इन चक्रों के अंदर अपने आप ही एक बैलेंस जो होता है वो आ जाता है। और जो भी चक्र आपका चाहे कमजोर हो, चाहे वो ज्यादा ओवर एक्टिव हो गया हो, कैसा भी हो, वो ठीक हो जाता है। इसलिए किसी घबराने की जरूरत नहीं होती है। किसी समस्या को आप फेस कर रहे हैं, आप बात कर सकते हैं उस समस्या के ऊपर और उसका आप निदान पा सकते हैं। और बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा और उत्तम माध्यम है रेकी। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।